नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपके साथ प्रमुख खबरों के साथ उपस्थित हुए हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप एक कमेंट जरूर कीजिए। आज है 6 अप्रैल 2024 और 6 अप्रैल 2024 की महत्वपूर्ण खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला खबर है, मालदीव की मदद करता रहेगा भारत। मालदीव की राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू द्वारा लगातार भारत के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भारत मालदीव की मदद करता रहेगा। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बताया है कि मुइजू सरकार की अपील पर भारत 2024-25 के लिए मालदीव की जरूरी सामानों का एक्सपोर्ट जारी रखेगा। खास बात यह है कि एक्सपोर्ट के लिए सामान की जो मात्रा तय की गई है वह 1991 के बाद सबसे ज्यादा है। अगला खबर है, सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो चुकी हुई थी। इस दौरान सिसोदिया ने कहा था कि मुझे जेल में रखना कोई फायदा नहीं है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेरे खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। मेरे तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है। अगला महत्वपूर्ण खबर है, लोकसभा चुनाव प्रभावित करने की तैयारी में है चीन। चीन भारत में लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए चीन AI कंटेंट के जरिए सोशल मीडिया पर झूठा चला सकता है। दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट में किए गए दावे के मुताबिक चीन ऐसे वीडियो और मीम्स पर काम कर रहा है जिसमें चीन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया के चुनावों को भी प्रभावित कर सकता है। इससे पहले ताइवान में ऐसा दुष्प्रचार कर चुका है। अगला महत्वपूर्ण खबर है, UPI को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद RBI गवर्नर शशिकांत दास ने बड़ा ऐलान किया है। इन्होंने कहा है UPI की पॉपुलरिटी और एक्सेप्टेंस को देखते हुए इसके जरिए कैश डिपॉजिट की सुविधा देने का प्रस्ताव किया गया है। इसका मतलब यह है कि जल्द ही जो UPI ग्राहक हैं UPI के जरिए डिपॉजिट मशीन में कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। अभी इसके लिए ग्राहक को डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला महत्वपूर्ण खबर है, UPI ट्रांजैक्शन ने बनाया है रिकॉर्ड। देश में मार्च 2024 में UPI के जरिए ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना है। इस दौरान 1344 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए 19.78 लाख करोड़ की लेन देन हुआ है। फरवरी में 1201 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए 18.28 लाख करोड़ की लेन देन हुए थे। पश्चिमी यूपी में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम यूपी में हुंकार भरेंगे। पीएम सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। इस दौरान पीएम योगी ने उनके साथ मौजूद रहेंगे। मेरठ के बाद यूपी में पीएम मोदी की यह दूसरी बड़ी रैली होगी। प्रधानमंत्री गाजियाबाद में आज शाम करीब 5 बजे रोड शो करेंगे। यह रोड शो तकरीबन 1.25 किलोमीटर का होगा। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। आज की प्रमुख हेडलाइंस हैं,
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया न्याय पत्र, जिसमें 25 गारंटियां दी गई है। पीएम मोदी यूपी के सहारनपुर से करेंगे रैली। राजस्थान के जयपुर में खड़गे और सोनिया करेंगे चुनावी रैली। जल्द ही यूपीआई से पैसे डिपॉजिट कर पाएंगे ग्राहक। आईपीएल में हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग को हरा दिया है। पाकिस्तान में भारी बवाल, सड़कों पर हजारों लोग। अफगान सीमा पर वीजा नियम सख्त करने में पाक में भारी बवाल मचा है। पश्तून समुदाय के हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। पाक में चमन और अफगानिस्तान के स्पेन बोल्डिक में पश्तून बहुसंख्यक हैं। दोनों ओर लोगों की रिश्तेदारियां हैं और वे बिना वीजा का आते जाते हैं। नए नियम आने के बाद पश्तून आक्रोशित है। उसका कहना है कि पाक की उम्र 75 साल है, लेकिन पश्तूनों की पहचान 5000 साल पुरानी है। यह पाकिस्तान ही नहीं, पंजाबिस्तान है। अगला महत्वपूर्ण खबर है, एक तरफा मैच में हैदराबाद ने सीएसके को हराया है। आईपीएल 2024 में 18वें मैच में हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग को 6 विकेट से हराया है। चेन्नई सुपर किंग के पहले बैटिंग करते हुए 166 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में हैदराबाद की टीम ने 18.1 ओवर में ही मैच को अपने नाम कर लिया। अगला महत्वपूर्ण खबर है, भारत ने दिखाया बड़ा दिल, तनाव के बीच मालदीव को जरूरी सामान भेजेगा। भारत सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वे मालदीव में जरूरी सामानों को एक्सपोर्ट जारी रखेगा। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बताया है, मालदीव की सरकार की अपील पर भारत 2024-25 के लिए देश में जरूरी सामानों का एक्सपोर्ट जारी रखेगा। अगला महत्वपूर्ण खबर है, ये समुद्री बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बगैर ही जिंदा रहता है। एक चौंकाने वाली रिसर्च में एक ऐसा जीव का पता चला है जो ऑक्सीजन के बगैर ही जीवित रह सकता है। अगला महत्वपूर्ण खबर है, जेएम विधायक दल की बैठक में बनी चुनावी रणनीति। रांची स्थित सीएम आवास कार्यालय में सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी के नाम पर चर्चा हुई और चुनावी रणनीति भी तैयार की गई है। गिरिडीह के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो का कहना है, इस बार की लड़ाई तानाशाह के खिलाफ है। मैं चुनावी की तैयारियों में लग चुका हूं। चुनाव है तो लड़ाई भी जरूरी है। अगला महत्वपूर्ण खबर है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है। खुदरा मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो 4% लक्ष्य से अधिक हो गई है। अगला महत्वपूर्ण खबर है, सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए आकाश तीर प्रणाली को शामिल किया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर एक आधुनिक पहल है जिसे वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्ट प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण करके स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला महत्वपूर्ण खबर है, अडानी ग्रीन 10,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता हासिल किया है और इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली भारत की ये पहली कंपनी बन गई है। अगला महत्वपूर्ण खबर है,
मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारतोलक है। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और भारतीय भारतोलक की प्रमुख हस्ती मीराबाई चानू ने थाईलैंड में IWF विश्व कप में कुल मिलाकर 11वें स्थान रहने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आज की ये महत्वपूर्ण खबर जो आपके पास रखे, यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना एक कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे आपको महत्वपूर्ण खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए